देखिए सर का कुछ स्टूडियो बता रहे हैं। सर बताइए कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। देखो YouTube चैनल बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखो आप इधर देखो, ये एक ये लाइट लगा रखी मैंने, ये है जी सर। ना, ये हाँ बहुत सिंपल सी लाइट है, इसमें एक बल्ब चल रहा है, ठीक है। जी और सर। यहाँ पे मैंने, ये तो खैर घर का वो है इसलिए पर्दा लगा रखा है, लेकिन एक पर्दा मैंने यहाँ पे ये डाल रखा है। जी सर। सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इस प्रकार से बोलना शुरू कर देते हैं, नमस्कार मैं हूँ वंशीलाल पालीवाल। जी इस सर। प्रकार से आप बोलिए और आपका कंटेंट आप समझाइए, जी ठीक सर। है। कई बार क्या होता है, हमारा फोटोग्राफी का होता है तो कभी जो बच्चे लोग आते हैं उनकी फोटोग्राफी मुझे करना पड़ती है। तो ये क्या, यहाँ पे एक कॉर्नर है, ये देखिए, ये जो कॉर्नर है ना, जी सर। तो यहाँ पे भी अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो भी देखिए ये बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी सर और बिल्कुल अगर मुझे व्हाइट बैकग्राउंड पे आना है तो आप देखिए थोड़ा इधर अगर सामने चले जाएंगे, देखो मेरे पीछे व्हाइट बैकग्राउंड हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया तो है। इस पे क्या फोटो भी बहुत अच्छी आती है सफेद बैकग्राउंड पे। और इसमें क्या, अगर मैं इसको वापस ओपन कर लूंगा तो देखिए एक मॉडल मैंने यहाँ पे इसको बिठा के रखा है, जी तो सर। मैं इनका फोटोग्राफ लेता हूँ कभी और मैं सबको बताता हूँ। और उसके साथ में ये मेरे कुछ पुराने फोटो कैमरा है, जी ये भी सर। पड़े हुए हैं। एक स्टैंड यहाँ पर ये लगा रखा मैंने, एक स्टैंड ये यहाँ पे है, नीचे मेरा एक कैमकॉर्डर भी पड़ा हुआ है आप देखो, और यहाँ पर मैंने एक मोनोपोड जो होता है वो भी मैंने लगा के रखा है। जी सर। एक लाइट अभी इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अभी ये यहाँ पे पड़ी हुई है। जी और सर। ये बिल्कुल यहीं पास में मैं इस चेयर पे बैठता हूँ जी सर। और ये मेरा पूरा सेटअप है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं एडिटिंग वगैरह का सारा काम करता हूँ। और ये एक ऐसी टेबल है एक्स्ट्रा जिसपे मैं ये सारे मेरे जो फोटोग्राफी से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं वो, और यहाँ पे एक इनको भी बिठा के रखा है, कभी कभी मैं इनके भी फोटोग्राफ लेता हूँ। जी सर। तो ये भी बड़े ये हैं, अच्छे हैं, मुझे बहुत फोटोग्राफ देते हैं। आप मेरे चैनल पे आप जरूर देखोगे जी सर। और यहाँ पे पड़ा होता है। और मुझे और किन किन चीजों के बारे में भी बताना है, तो ये सारे जो चीजें हैं ना इनको अभी मुझे बताना है, ये जितने भी पैकेट्स पड़े हुए हैं जी तो सर। इनको मैं यहाँ पे बताऊंगा। और टीवी में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन एक पुराने जमाने का टीवी मैंने यहाँ लगा के रखा है। जी सर। और ये पुराना मेरा एक पीसी है, मैंने कोई सामान बेचा नहीं अभी तक, मैंने अच्छा जितना खरीदा वो सारा मेरे पास है। ये देखो ये यहाँ पे मेरे पुराने जो कैमरे हैं वो सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये बैटरी पैक है, और यहाँ पे भी कुछ चीजें पड़ी हुई जिनको अभी मुझे चैनल पे दिखाना है। और एक मेरी ये अलमारी है, इस पे एक में मेरे जितने भी इम्पोर्टेंट सामान होते हैं ना वो मैं इसके अंदर रखता हूँ। जी सर। तो इसमें देखो आप, ये लकड़ी के दरवाजे बनवा रखे मैंने, जी सर। और ये एक ताक है, इसका एक फायदा मुझे मिलता है। इसमें क्या है कि जितने भी मेरे कैमरे और लेंसेज वगैरह जो होते हैं ना वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, अभी तो मेरे थोड़ा शूटिंग में गए हुए हैं सारा सामान जी यहाँ से, सर। तो इसमें फंगस वगैरह नहीं आती है, अच्छा सर। क्योंकि ये लकड़ी जो होती है ना ये थोड़ा सा जो पानी की मात्रा होती है उसको अवशोषित कर लेती है। जी और सर। इस प्रकार के जो जेल्स होते हैं ना हाँ सर। ये इस प्रकार के जेल्स मैंने इसमें बहुत सारे डाल रखे हैं, तो उससे क्या है कि मेरा ये सामान बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं आती है। ये मेरा वायरलेस माइक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जी सर। और फ्लैशेज वगैरह और जो मेरे जितने भी डाटा वगैरह जो होते हैं ना वो हाँ सर। सारे डाटा मैं ऐसी हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पे सेव करके रखता हूँ। जी सर। इस प्रकार की 4-5 हार्ड डिस्क है, तो जी सर। मैं इस प्रकार से इसमें रख देता हूँ ताकि पानी की मात्रा कभी इसमें नहीं पहुँचती और इस दीवार के अंदर कभी कोई सील जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं होती। और ये कुछ पुरानी कैसेट्स भी पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इनको भी मैंने बड़ा संभाल के रखा है, और ये मेरी कुछ पुरानी यादें इन एल्बमों के अंदर है तो वो भी मैंने रख रखी है। और फोटोग्राफी में इस प्रकार की अम्ब्रेला वगैरह की जो जरूरत होती है जी तो ये सर। देखो आप, ये भी है मेरे पास में, और एक ब्लैक कलर की भी आती है कभी, उसकी जरूरत भी हमें जब शादी विवाह वेडिंग वगैरह में जाते हैं तो इसकी भी आवश्यकता हो जाती है। तो ये क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ये अच्छा सिल्वर सर। होती है ना, तो जी लाइट सर। यू देते तो वापस यूं आ जाती रिटर्न है, आ तो उससे जाती है। फोटो जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हमें मिलता है। और ये कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग धूप में चले जाते हैं ना फोटोग्राफी करने के लिए अच्छा सर। तो इस टाइप का ले जाते हैं, तो इसमें क्या होता है हम लोग थोड़ी लाइटिंग उनके चेहरे पे डाल देते हैं, सनलाइट जो होती है। अच्छा, जो हाँ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके उनके हाँ चेहरे पे डाल और देते हैं। कभी कोई लाइट हमें काटना होती है तो हम इस ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं। जी और सर। इसमें भी और बहुत सारी चीजें हैं, ये इस टाइप का देखो सारे जो फोटोग्राफर होते हैं उनके पास में ये सारी चीजें होना चाहिए। देखो ये जी अगर सर। कभी मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं इसको सफेद बैकग्राउंड भी बना सकता हूँ, जैसे अभी मैं हाँ सफेद हाँ बैकग्राउंड पे आ गया हूँ, है जी ना, सर। तो सफेद बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कभी दुल्हन की फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं तो ऊपर अगर ऐसा कर देंगे तो वो छाया हो जाएगी नीचे, है जी सर। ना। और फिर अगर हम चेहरे को शूट कर रहे हैं तो चेहरे का टोन जो होता है ना वो एक अलग टाइप से होता है, तो उसके लिए देखो ये गोल्डन लगा हुआ है तो जी हम सर। इसी को पहना देते हैं तो ये गोल्डन आ जाता है इससे, है इसको उल्टा करके ना। बना दे हाँ, दो। और ये इधर वापस सफेद भी है, इधर सिल्वर है, तो जी हमें सर। कितना 1 2 3 4 5 6
मिल जाते हैं, छह बैकग्राउंड मिल छह जाते छह हैं। तरीके के बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं। और छह तरीके से जैसे यहाँ पे जो जो लाइट वगैरह जो कम आती ना, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर से जो लाइट आ रही उसको इस प्रकार से हम सेट करते हैं, देखो आपको खुद को ही फर्क दिख रहा होगा ये, जी सर है ना, तो वो बिल्कुल वहां पे एकदम पिक्चर अच्छी आ जाती है। और अगर कोई नहीं होता है तो हम उनको ही पकड़ा देते हैं हाथ में, क्योंकि क्लोजअप लेना रहता है, जी तो हम सर आराम से सामने जाकर के फोटो ले लेते हैं, जी तो सर फोटो क्या बहुत अच्छी और क्लियर और विद डिटेल्स के आती है। और इसको वापस समेट समेटना भी बहुत ये जरूरी अच्छा, है, ये ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटा सा हो गया है, तो इसकी वो थैली है उसमें डाल दो लेके जाओ इसको और क्या वापस। बोलते हैं सर? ये डिफ्यूजर होता है, अच्छा हाँ सब डिफ्यूजर। डिफ्यूज करते हैं हम लोग इसे। अच्छा जो मेरा जो प्रोफेशनल जो काम जो होता है ना प्रोफेशनल, हाँ सर ये बैग वगैरह सारे ये इस खाट पे पड़े रहते हैं, और इसमें मेरी लाइटिंग वगैरह जो होती है ना उसका पूरा एक ये बैग बना के रखा। जी सर तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा ओपन करके, तो ये देखो एक केबल और ये सारा आर्टिकल इसमें पड़ा हुआ रहता है, जी सर और दो तीन स्टैंड ऐसे बैग और है जो अभी हमने पार्टी पे डाल रखे हैं। जी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सर? का पूरा स्टूडियो हमने दिखाया, आपको घर नमस्कार दिखाया, नमस्कार और नमस्कार। सर ने बहुत अच्छी हेल्प की हमारी, हमें बहुत अच्छा आदर भाव दिया, और बहुत अच्छा लगा इनके घर पे आकर इनका स्टूडियो देखा, बहुत अच्छी जानकारी दी, दिल खुश हो गया। मन से दिल से दुआ देता हूँ मैं सर को, काफी नमस्कार आगे बढ़े और इसी तरह आपको ज्ञान बांटते रहे, वीडियो बनाते रहे। जी आप भी सर, अलविदा चलो लेते हैं अब सर से। चलो चलो चलो, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।